क्लास 12 चैप्टर नेम अकाउंटिंग रेशो। अकाउंटिंग रेशो में जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है सॉल्वेंसी रेशो, और सॉल्वेंसी रेशो में जो आज का टॉपिक है वो है प्रोप्राइटरी रेशो। लेकिन प्रोप्राइटरी रेशो के साथ साथ मैं आपको डेप्ट इक्विटी रेशो और टोटल एसेट टू डेप्ट रेशो इसके बारे में भी बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं यहां पर क्वेश्चन। प्रोप्राइटरी रेशो का फॉर्मूला है इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। इक्विटी को क्या कहते हैं? इक्विटी को शेयर होल्डर फंड और नेटवर्थ भी कहते हैं। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, प्रीवियस वीडियो में देखें आप ये। इसके बाद अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और क्वेश्चन लिखा है यहां पर फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक्स ऑफ भारत रबर लिमिटेड। शेयर कैपिटल 320,000, जनरल रिजर्व 1,00,000, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस 48,000, 9% डिबेंचर्स 1,20,000, करंट लायबिलिटी 3,04,000। आपको यहां पे तीनों रेशो फाइंड करने हैं, डेप्ट इक्विटी रेशो भी करना है, टोटल एसेट टू डेप्ट रेशो भी करना है, और प्रोप्राइटरी रेशो भी करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेप्ट इक्विटी रेशो। डेप्ट इक्विटी रेशो का फॉर्मूला है डेप्ट अपॉन इक्विटी। अब डेप्ट किस तरीके से आएगा? यहां पर ओनली जो डिबेंचर है वही डेप्ट में आएगा। तो जो डिवेंचर है वो 1,20,000 का है, उसे लिख देंगे डेप्ट में। इसके बाद इक्विटी में क्या है? इक्विटी में हमारा यहां पर दिया है शेयर्स कैपिटल 3,20,000, उसके बाद जनरल रिजर्व 1,00,000 और प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस 48,000। ये तीनों हमारे इक्विटी में आएंगे। इक्विटी भी कह सकते हैं, शेयर होल्डर फंड भी कह सकते हैं, नेटवर्थ भी कह सकते हैं। इनका टोटल होता है 4,68,000। अब करेंगे यहां पे वैल्यूज रखेंगे फॉर्मूले में डेप्ट अपॉन इक्विटी, तो ये आंसर हो जाता है 0.26:1। इसके बाद सेकंड फॉर्मूला है टोटल एसेट टू डेप्ट रेशो, ये भी पूछा है। तो फॉर्मूला क्या है? टोटल एसेट अपॉन डेप्ट। अब डेप्ट तो हमें मालूम है 120 है, लेकिन टोटल एसेट्स क्या होगा? तो टोटल एसेट्स के लिए बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट बना लेते हैं, जिसमें हमें मालूम है लायबिलिटी साइड के सभी पॉइंट मालूम है। लाइक जैसा शेयर्स कैपिटल दिया 3,20,000, जनरल रिजर्व दिया है 1,00,000, प्रॉफिट एंड लॉस दिया है, डिबेंचर्स भी गिवन है क्वेश्चन में, और करंट लायबिलिटी भी क्वेश्चन में दिया है। तो ये सभी पॉइंट लायबिलिटी साइड के दे रखे हैं। इनका टोटल होता है 8,92,000, और 8,92,000 ही यहां बच जाएगा। तो इधर जो बचेगा वो क्या होगा? टोटल एसेट्स, क्योंकि जो टोटल लायबिलिटी का टोटल होगा वही टोटल एसेट्स का टोटल होगा। तो टोटल एसेट्स यहां पर आ गए आपके 8,92,000, डिवाइड करेंगे 1,20,000 से, यानी 7.43:1 ये आंसर हो गया। इसके बाद यहां पर करना है प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटरी रेशो का फॉर्मूला है इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। अब इक्विटी भी मालूम है हमें, कितना इक्विटी है 4,68,000, और टोटल एसेट्स अभी अभी आए हैं, कितना है 8,92,000। सॉल्व करेंगे आएगा 0.5247:1, इसे परसेंटेज में भी फाइंड कर सकते हैं। तो अगर 100 से इसे मल्टीप्लाई करते हैं 0.5247 को, तो आता है 52.47। तो परसेंटेज में भी आप इसे शो कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका यहां पर कंप्लीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहां पे लिखा है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन दी गई है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग है 7,00,000, लॉन्ग टर्म प्रोविजन 2,25,000, नॉन करंट एसेट्स मींस फिक्स्ड एसेट्स 12,00,000, करंट एसेट्स 5,40,000, करंट लायबिलिटी 1,40,000। कैलकुलेट करना है डेप्ट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो एंड प्रोप्राइटरी रेशियो। करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। सबसे पहले करते हैं डेप्ट इक्विटी रेशियो। फॉर्मूला है डेप्ट अपॉन इक्विटी। अब डेप्ट यहां पे कौन कौन दिया है? डेप्ट यहां पर जो दिया है तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है जो कि 7,00,000 है, दूसरा है लॉन्ग टर्म प्रोविजन 2,25,000, दोनों का टोटल होता है 9,25,000। इसके बाद इक्विटी को करने, इक्विटी किस तरीके से आया? इक्विटी में करते हैं यहां पर एसेट साइड अप्रोच। एसेट साइड अप्रोच में क्या है कि करंट एसेट्स फिक्स्ड एसेट्स प्लस करने हैं, और उसमें माइनस करना है करंट लायबिलिटी और फिक्स लायबिलिटी। तो यहां पे फिक्स एसेट्स दिया है नॉन करंट एसेट्स 12,00,000 आ गया।
इसमें प्लस होगा करंट एसेट्स 5,40,000, ये दो पॉइंट प्लस होने हैं, और माइनस होगा करंट लायबिलिटी 1,40,000। इसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग, यानी ये फिक्स्ड लायबिलिटी है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और उसके बाद है लॉन्ग टर्म प्रोविजन 2,25,000। तो टोटल करेंगे इसका ये आता है 17,40,000 माइनस इसका टोटल होता है 10,65,000। माइनस करने के बाद आता है 6,75,000 इक्विटी आ गया। फॉर्मूले में रखेंगे वाले 9,25,000 अपॉन 6,75,000, ये आता है 1.37:1, ये आंसर हो गया हमारे यहां पर। इसके बाद सेकंड पूछा है टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो, तो टोटल एसेट अपॉन डेब्ट। अब डेब्ट तो हमें मालूम है 9,25,000 आया था अभी, लेकिन टोटल एसेट्स क्या होगा? तो टोटल एसेट्स में ऐड करेंगे यहां पर नॉन करंट एसेट्स मींस फिक्स्ड एसेट्स 12,00,000 है, और करंट एसेट्स दिया है 5,40,000, तो दोनों का टोटल होता है 17,40,000। तो यहां रख देंगे फॉर्मूले में 17,40,000 अपॉन 9,25,000, यह आता है 1.88:1, यह आंसर हो गया यहां। इसके बाद नेक्स्ट पूछा है प्रोप्राइटी रेशियो, उसका फॉर्मूला है इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। इक्विटी अब आ चुका क्वेश्चन में कितना है 6,75,000, टोटल एसेट्स कितना है 17,40,000, सॉल्व करने के बाद 0.3879:1, तो इसे लिख सकते हैं रेशो में भी लिख सकते हैं इसे परसेंटेज में 0.3879:100 मल्टीप्लाई 100 से अगर कर देते हैं तो ये आता है 38.79, और किसमें आता है परसेंटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और इसमें पूछा गया है ओनली प्रोप्राइटरी रेशो, लिखा है फिक्स्ड एसेट 12,80,000, करंट एसेट 7,20,000, 8% डिबेंचर्स 5,60,000, 10% मॉर्गेज लोन 3,30,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 2,20,000, ट्रेड पेबल 1,90,000, ये इंफॉर्मेशन दी गई है। फॉर्मूला होता है प्रोप्राइटरी रेशो का इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स या शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट्स। तो करने के लिए क्या करते हैं, बैलेंस शीट बना लेते हैं, और बैलेंस शीट में इंफॉर्मेशन दी है फिक्स्ड एसेट्स 12,80,000, करंट एसेट्स 7,20,000, ये क्वेश्चन में ही गिवन है, 8% डिबेंचर 5,60,000, 10% मॉर्गेज लोन दिया है 3,30,000, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है 2,20,000, ट्रेड पेबल दिया है 1,90,000, ये इंफॉर्मेशन गिवन है। तो क्या करेंगे, एसेट्स के टोटल में से, यानी जो एसेट्स का टोटल होगा वही लायबिलिटी का टोटल होगा, तो इस टोटल में से 20,00,000 में से ये सभी पॉइंट माइनस कर दिए जाएंगे यहां तक, तो ये बचता है 7,00,000, और ये 7,00,000 क्या बचेगा, इक्विटी या कहिए शेयर होल्डर फंड, ये बच गया। इसके बाद टोटल एसेट्स भी मालूम चल गए 20,00,000 है, और शेयर होल्डर फंड भी मालूम है 7,00,000 है। फॉर्मूले में रखेंगे इसे 7,00,000/20,00,000, 0.35:1, ये आपका यहां पर आंसर हो गया। स्टार्ट करते हैं, और ये सॉल्वेंसी रेशो में लास्ट रेशो है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स अपॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस, ये फॉर्मूला है। तो इसी के बेस पर क्वेश्चन करते हैं, यहां लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशो, ये आपको बताना है। लिखा है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये जो नेट प्रॉफिट है आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, और हमें क्या चाहिए, बिफोर चाहिए। यहां पे इनकम टैक्स दिया है 50%, यानी ये 50% को माइनस करने के बाद है, 50% को डिडक्ट करने के बाद है। तो पहले यही कर लेते हैं कि भाई 50% को जब ये डिडक्ट करने के बाद है, इट मींस ये 50% हुआ, तो 50 के लिए 120, 1 के लिए कितना होगा 1,20,000 अपॉन 50, और 100% हमें करना होगा क्योंकि हमें बिफोर इंटरेस्ट करना है, बिफोर इंटरेस्ट इनकम टैक्स। तो 1,20,000/100/50 आ जाता है 2,40,000। अब इसमें प्लस करना होगा 15% डिवेंचर, ये इंटरेस्ट प्लस करना है डिवेंचर का, तो 15% कितना होगा 1,00,000 का 15% 15,000। ऐसे ही जो मॉर्गेज लोन है उसका भी इंटरेस्ट प्लस करना होगा 1,00,000 का 12% 12,000, ये आ जाता है टोटल 2,67,000। तो ये आ गया हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स,
अपॉन में क्या है फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। तो ये दोनों हमारे इंटरेस्ट है, एक डिवेंचर पर है दूसरा मोर्गेज लोन पर है। तो 15,000 प्लस 12,000 कितना हो गया 27,000, इसे यहां रखेंगे 27,000 भी आता है 9.89 टाइम्स आ गया। तो ये क्वेश्चन यहां कंप्लीट हुआ। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आज गिवन टू यू, शेयर्स कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। लोन दिया है 10% 4 लाख, 12% डिवेंचर्स एंड 2 लाख। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स वॉज 96,000, रेट ऑफ इनकम टैक्स वॉज 50%। फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशो का, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स अपॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। अब यहां पर क्या दिया है, ये जो 96,000 का प्रॉफिट है ये आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स है और हमें चाहिए बिफोर, तो इट मींस ये 50% को डिडक्ट करने के बाद है, क्योंकि 50% इनकम टैक्स है, इसका मतलब ये 50% को माइनस करने के बाद है। तो 50% के लिए 96,000, 1 के लिए 96,000 अपॉन 50, और 100 के लिए कितना आएगा 1,92,000, ये बिफोर आ गया। अब इसमें आपको प्लस करना होगा इंटरेस्ट ऑन लोन, यानी 4 लाख का 10% 40,000, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 2 लाख का 12% 24,000, तीनों का टोटल होता है 2,56,000। ये आपका आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स। इसके बाद फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस, ये दोनों इंटरेस्ट हैं, 40,000 प्लस 24,000 यानी 64,000। तो फॉर्मूले वैल्यूज रखेंगे 2,56,000 अपॉन 64,000 फोर टाइम्स। तो इस तरीके से आपका यहां पर सॉल्वेंसी रेशो कंप्लीट हुआ। इसमें मैंने आपको फोर रेशोस कराए, सबसे पहला डेप्ट इक्विटी रेशो, उसके बाद टोटल एसेट टू डेप्ट रेशो, उसके बाद प्रॉपर्टी रेशो, और उसके बाद इंटरेस्ट कवरेज रेशो। तो आज ये आपका सेकेंड टॉपिक कंप्लीट हुआ। आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी, तो उसके लिए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।